इंदौर के एमआईजी थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते सलमान लाला गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी पंजाब ज्वेलर्स पर देर रात डकैती डालने की योजना बना रहे थे। इनमें से 3 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने एक पिस्टल और धारदार हथियार बरामद किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सलमान लाला गैंग के 5 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। डकैती की योजना बना रहे थे बदमाश। 3 बदमाश मौके से हुए फरार। आरोपियों से पिस्टल धारदार हथियार पुलिस ने किए जब्त। दरअसल इंदौर के एमआईजी थाना पुलिस को देर रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि श्री माया होटल के पीछे कुछ बदमाश खुले मैदान में बैठे हैं। सूचना पर पुलिस ने 2 टीमें बनाकर मौके पर भेजी, जहां टीम ने घेराबंदी कर 5 बदमाशों को डकैती की योजना बनाते गिरफ्तार किया। वहीं 3 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। सभी आरोपी पंजाब ज्वेलर्स पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल और धारदार हथियार बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं पकड़े गए आरोपियों से अन्य मामलों में पूछताछ कर रही है। सभी आरोपी थाना क्षेत्र के लिस्टेड बदमाश है। इसमें हमारे होटल श्रीमाया के पीछे खाली मैदान में कुछ 5-7 युवक के बैठे होकर के आपस में बातचीत करने की सूचना मिली और इस सूचना की तस्दीक के लिए धीरेन्द्र और सुरेंद्र 2 जनों को तत्काल जो है पता करने भेजा और सूचना सही पाए जाने पर स्टाफ रवाना किया, जिससे 2 पार्टी बना करके घेराबंदी की और उनकी बात को सुना, जिसमें पता चला कि ये दोनों वहाँ जो 5-7 व्यक्ति हैं वो पंजाब ज्वेलर्स को लूटने की योजना बना रहे हैं। तभी जो है पीएस पार्टी ने घेराबंदी करके उनको पकड़ने का प्रयास किया तो 2 व्यक्ति उसमें जो है मौके पर ही गिरफ्तार हुए, कपिल और दीपक, और उसमें से 4 जो आदमी हैं सलमान लाला और रिजवान गोलू और छोटा आदिल और सागर, ये मौके पर अंधेरे का लाभ लेकर फरार हो गए, जिनकी सघनता से तलाश की जा रही है। अभी घर से भी ये फरार चल रहे हैं। ये सभी आरोपी हैं, लिस्टेड अपराधी हैं। इनके विरुद्ध कम से कम 15-15 अपराध विभिन्न थानों में इंदौर शहर में पंजीबद्ध हैं और ये लगातार सक्रिय रूप से अपराध घटित कर रहे हैं। इनके ऊपर पूर्व में भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, लेकिन प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का भी इन पर असर नहीं हुआ है। हाल ही में सलमान लाला जेल से छूटा और जेल से छूटने के बाद पुनः अपराध में सक्रिय हो गया।